दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल, मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अल करीम बिल्डर्स एंड अल गफूर बिवरेजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं इस वक्त मक्स न्यूज और मक्स स्पेशल से मैं हूं इजाज मुर्तजा, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं कसूर में शहीद होने वाली बच्ची जैनब के वालिद हाजी अमीन अंसारी साहब, जिन्होंने इस अंदोहनाक वाकया के बाद पूरे मुल्क के बच्चों को दरिंदों से महफूज करने का बेड़ा उठाया और ये जंग लड़ रहे हैं। हमने आज इनसे इसी मौजू पर बातें करनी हैं कि ऐसे वाकयात की रोकथाम के लिए अब तक क्या किया गया है। जैनब अलर्ट बिल एक साल कबल मंजूर हुआ, उस पर अभी तक अमल दामा नहीं हो सका। इससे पहले मैं अमीन सारी साहब से ये बात करना चाहूँगा कि जैनब बहुत प्यारी मासूम बच्ची थी, उसकी शहादत ने पूरे मुल्क को बल्कि दुनिया भर के वालदैन को रुला के रख दिया। अवाम आज भी इस अंदोहनाक वाक्य को नहीं भूल सके। आप ये बताएं कि जैनब अब भी आपके ख्वाबों में आती है? जी बिल्कुल जी, वो तो जितना ज़्यादा जिसको याद करें वो मिलता भी ऐसे ही है। तो हमारी तो फिर जब बेटी गया हमारे तो वो जिगर का टुकड़ा थी, तो हम उसको ना तो भूल सकते हैं बल्कि कोई हफ्ता कोई जुमा खाली नहीं, यकीनन जुमे के दिन वहाँ पर उसके पास उसको मिलने जाते हैं। उसके अलावा भी जब कब्रस्तान से उधर से गुजर हो तो खुशी खाते हैं कि वहाँ से होके जाएं। तो वो हम तो घर वाले हैं, कौम नहीं आज तक जैनब बेटी को बोली। अभी भी कोई ना कोई बात गात को बैरूनी शहर से कोई फैमिली को ना कोई लोग घर में आ जाते हैं, जैनब बेटी के घर मारे घर आते हैं, बाहर लोग जैनब की खबर पर भी जाते हैं। वो सिर्फ इस वजह से आते हैं कि बस पता नहीं क्या उसका हमारे पर ऐसे असरार या नक्श, और उसका जो गम था दर्द था वो आज भी जैसे कोई वाक़ा बात देते हैं सुनते हैं या उसकी तस्वीर सामने आती है तो हमें वो फौरी सारा सीन सामने याद आ देता है। तो हम तो उसके गम को ना उसके गम में आज भी समझे भी ऐसे ही है जैसे ताज़ा गम होता है। और भाई हम तो घर वाले हैं तो लोग आगे अपनी कैफियात बयान करते हैं, तो यकीन घर वाले तो फिर उसको जैनब को नहीं भूल सकते कभी भी, जब तक जिंदगी है सांस में सांस है। ये ज़रूर है कि जैनब बेटी जब दुनिया से गई है उसकी वजह से लोगों में एक शऊर डेवलप हुआ, वो एक कौम को एक शऊर दे गई। वालदैन फैमिलीज अपने बच्चों के लिए पहले से ज़्यादा केयरफुल हुए हैं, अपने बच्चों की पहले से ज़्यादा वो देखभाल करते हैं। कहीं बच्चों को स्कूल छोड़ना लेके आना जाना, बाहर लोगों ने को रक्षा वगैरह या गाड़ियाँ लगवाई थी उन्होंने उनको जवाब दे दिया कि किसी पर इतमाद नहीं रहा, वो अपने बच्चों को खुद सर्व करते हैं। कि इस तरह के आए रोज जो वाक़ात हो रहे हैं तो लोग अपने बच्चों के लिए जैनब की वजह से जो एक लोगों को एक शऊर मिला है तो लोग खुशी करते हैं ज़्यादातर, हम अपने बच्चों को खुद सर्व करें। अमीन साहब, जैनब की वालदा की कैफियत इस वक्त क्या है? शुरू शुरू में तो वो बेहोशी के हाल में भी बेटी को याद करती थी। बस वो माँ फिर माँ है, अल्लाह ताला ने उसका मैं समझता हूँ फिर भी बड़ा शुक्र है। कौम की दुआएं भी हमारे साथ हैं, आज भी हमारे साथ दुआएं हैं कौम की कि अल्लाह ताला ने हमें सब्र दिया। ये उसकी बहुत बड़ी आजमाइश थी बल्कि आज भी हमारे लिए वो आजमाइश है, लेकिन माँ तो फिर माँ है ना। जब कोई ना कोई बच्चा घर में या कोई ऐसा कोई घर में पड़ी कोई शय कोई चीज़ नज़र आ जाती है तो उसी वक्त जैनब जो आंखों के सामने आ जाती है। बच्ची का बैग, उसका कपड़ा, बैग, उसकी चीज़ें सारी संभाल के रखी हैं। बाद का वैसे कोई ना कोई घर में कोई चीज़ तलाश करनी पड़ जाती है, देख रहे हैं इधर उधर अलमारियों में तो सामने उसका कपड़ा या कोई उसको पेंसिल कोई या खिलौना या कुछ ही नज़र आ जाती है।
तो उसको देखते हैं तो आप बाल का तबीयत इस तरह की हो जाती है कि अपनी तबीयत ख़राब हो जाती है उस बाल की। ये मतलब समझ भी आए रोज़ का कोना को मामूल है वो उसके वजह से तो तबीयत है वो भी बाल का बस। ये अल्लाह ताला की बारगाह में ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब्र दे, उसने सब्र देना है तो हौसला भी उसने देना है। मुख्तलिफ किस्म के बहाने होते हैं, को बच्चा को नज़र आ गया ऐसा तो उसके उसको देख के तो अपनी पीढ़ी सामने आंखों के सामने आती है, जन्म याद आ जाती है। तो इस तरह स्कूल बच्चे जाते हैं या किसी के शादी पर या कोई ऐसे गैदरिंग वाली जगह पर जाते हैं तो बच्चे देखते हैं तो उनको देख के दें तो जैनब याद आती है कि अगर हमारी जैनब भी काश आज जिंदा होती तो इस तरह हमारे साथ इनके बच्चों के साथ वो भी खेली होती। या पहले जब हम भी इस तरह फंक्शन में कहीं जाते थे तो जैनब हमारे साथ होती थी तो वो सारा सीन सामने आ जाता है। तो ये जब सारा सीन सामने आता है तो ज़ाहिर है वो दुख गम तकलीफ बढ़ जाती है। जैनब की वालदा ने अपनी बेटी की मैयत को नहीं देखा था, हिम्मत नहीं थी, कैसे देखते। मैंने खुद पता नहीं किस तरह हौसला करके उसको देखा लेकिन उसने नहीं देखा। उसने कहा मैं कैसे देखूं, मेरे में हिम्मत हौसला ही नहीं है। ज़ाहिर है वो इसका तो छोड़ के नहीं गई थी। हाँ बिल्कुल, हम तो उसको हंसा खेलता छोड़ के गए एयरपोर्ट तक, हमारे साथ गई वो तो सारे रास्ते में गाड़ी में माशाल्लाह सारे उससे बातें करते वो खेलते जा रहे थे बच्चे साथ गाड़ी में सारे। तो वो अब वो जब एयरपोर्ट का भी जब याद आता है कि जब हम अंदर दाखिल हो गए हैं तो जैनब खड़ी थी पीछे दरवाजे में देख रही थी। तो वो उसका उस वक्त जो मतलब हमारे लिए वो आखिरी लम्हात ही थे, उसको जो देख रही थी वो तो बोल ही नहीं सकते। वो लम्हात और वो जो उसका जिस अंदाज से वो एक मासूमाना अंदाज से प्यार भरे अंदाज से दे रही थी तो ऐसा सीन था कि वो जब याद आता है ना तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। आखिरी बस उसको बयान किया जा सकता, फिर आप तबीयत आपकी इस तरह की तबीयत हो जाती है कि बस आंखें भी नम हो जाती हैं। फिर वो मतलब उसके साथ वो जो ये तो नहीं पता था कि अब हम उम्रे पर जा रहे हैं तो कोई ऐसा मामला हो ना आगे, तो वो आखिरी लम्हा ही हमारे लिए हो गया, आखिरी मुलाकात। और वो जो उसको देखना था या उसको तकना था वो लास्ट मोमेंट थी हमारे लिए, उसको लाइव जो देखना देखना तकना हमारे लिए। तो कुछ वो इस तरह की कैफियत थी कि बस वो बाद का जब भी सामने वो सारा जहन में आता है ना तो तबीयत ख़राब हो जाती है। वालदा तो फिर माँ है तो उसके और ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। लोग तो आते हैं कहते हैं इसको बुला मतलब ना याद करें या उसको बुलाएं जैसे भी है, लेकिन ये हो ही नहीं सकता, कैसे बोले। हमारे वो जिगर का टुकड़ा थी। और दूसरा पहलू ये है कि अब जिस तरह आए रोज़ रोज़ाना टीवी पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वे न्यूज़ चैनल पर ये वाक़ चलते हैं कोना गुरजाना इस तरह मासूम बच्चे बच्चियाँ ज्यादाती का और दरिंदगी का निशाना पड़ रहे हैं, कत्ल भी हो रहे हैं, तो उनको देखते हैं तो अपने जहम भी ताज़ा होते हैं, तकलीफ भी सारा सब कुछ सारा कुछ सामने आ जाता है। तो ये इस तरह तकलीफ ये बोलने वाली बात ही नहीं है कि इस तरह से वो बोलें या कैसे उसको बुलाएं। जब वाक़ इस तरह की खबरों में न्यूज़ में आते हैं तो परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। फिर ये सामने ये भी आता है कि हम तो चूँकि इस तकलीफ से गुजरे हैं या गुजरे हैं, जिनकी बच्ची या बच्चे के साथ ऐसा हुआ वो पता नहीं बेचारे अब उनकी क्या हालत होगी, किस कैफियत में होंगे और वो उनके मतलब किस कैफियत में होंगे। इतना बड़ा ये दर्द गम है, नाकाबिल बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह ताला जो आदमी को हौसला हिम्मत देता है जैसे भी है। जैनब आपसे जिद करती थी चीज़ें ला के दें? ज़ाहिर बच्चों में तो ये मामूल होता है कि जब बाजार में साथ कहीं जाए कुछ चीज़ नज़र आ गई तो उन्होंने फिर कहना कि मुझे खिलौना नज़र आ गया या कोई आइसक्रीम जो पसंदीदा चीज़ है उसने कहना कि मुझे ये लेके दें, तो कोशिश करनी उसको लेके दें। बच्चे जिद करते हैं। सबसे छोटी? हाँ जी सबसे छोटी थी। बच्चों की जो ये मामूल होता है कि बच्चों ने जो उनको चीज़ अच्छी लगे तो उन्होंने अपने पेरेंट्स से मांगनी है।
जैनब की उम्र कितनी थी? बास क्योंकि मुख्तलिफ मीडिया पर कोई 8 साल, कोई 7 साल, कोई सी 9 साल बताई। उस वक्त 6 साल 4 माह तकरीबन 5 माह के करीब थी। 6 साल 4 माह और 12-14 दिन ऊपर थी, 12-13 दिन ऊपर थी। समझे भी 4.5 माह थी, 6 साल और 4.5 माह तकरीबन उसको जैनब की। 18 अगस्त 2011 की उसकी बजाई थी, माह रमज़ान में अगस्त का महीना था, 18 अगस्त। और ये 10 जनवरी का दिन था। तो अब दूसरी बरसी आ रही है जैनब? नहीं, अब तीसरी बरसी, दो बरसियाँ हो गई हैं। कौम आई भी नहीं बोली, रोजाना किसी न किसी चैनल पर किसी वाले से बेटी का जिक्र होता ही रहता है। कौम को झंझोड़ा उसने, अदारे पूरे पाकिस्तान के अदारे जितने हैं, जितनी एजेंसियाँ हैं वो हरकत में आई हैं, उन्होंने इस केस पर काम किया है, जिस पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी नोटिस लिया, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उस वक्त के अनुसार था उन्होंने भी नोटिस लिया, और जिसकी वजह से सूबाई और बाकी जितनी एजेंसियाँ थी, तमाम एजेंसियों ने पाकिस्तान की तकरीबन 32 या 35 एजेंसियाँ थी कमों पर, सब ने इस केस पर काम किया। जैनब की उनकी बड़ी, मैं समझता हूँ, बड़ी एफर्ट थी, और इवन वो लोग जब हमें मिलते थे और वो भी उनकी भी कैफियत ऐसी होती थी कि जैसे जो हमारे घर हमारे हमारी बेटी थी, हमारे जिगर का टुकड़ा थी, तो हमारे साथ ही ऐसा वाक़ है। वो भी उसी तरह यानी कि एक गम एक तकलीफ में मुबतला होते थे जो लोग आते थे, जो उस केस में काम कर रहे थे, एजेंसियों के सरबराहान या उनके साथ जो मतलब डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे थे, आईजी पंजाब से लेकर डीआईजी, डीपीओ, मुख्तलिफ एसएसपी, इसी तरह आईएसआई के, एमआई के, मतलब अदर एजेंसी के लोग थे, आईबी के, सीटीडी, जो भी जितनी भी पाकिस्तान की एजेंसियाँ थी, और वो भी आते थे जब हमारे पास उनकी आंखें मीनामी होती थी, कोई आँख नहीं ऐसी थी जो उस वक्त नम नहीं थी। नाज़रीन, अब वक्त हुआ जाता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर वापस हम हाजी मीन अंसारी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले, कोई निशिया लव यू कहे। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले दिल की बोल।
वेलकम बैक नाज़रीन, हाजी अमीन अंसारी साहब के साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकब निसार साहब की अहलियाँ थी, उन्होंने भी बहुत दुख का इजहार किया था। जी बिल्कुल, उनका अपना भी, उनकी भाई, उनकी अहलिया का भी बयान आया था कि हम तो सारी रात सो नहीं सके, इतनी तकलीफ में रहे, हमारी आंखों से आंसू नहीं रुकते थे, हम खुद इतनी तकलीफ में रहे थे, हम तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो। बल्कि इवन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केस लगाया तो मैं गया वहाँ पर, तो उनकी साकुन साहब साहब की अहलिया भी वहाँ पर कोर्ट में बैठी हुई थी, मौजूद थी, तो वो कोर्ट में खुद आई थी केस तुमने देखने वाला। हाँ, वो भी बच्चों वाली है, वो तो कोर्ट में आई, उससे बैठी रही वहाँ पर, जितनी देर केस वहाँ पर इस बार हेयरिंग हुई है तो वहाँ पर वो मौजूद रही। अमीन साहब, ज़ैनब अलर्ट बिल एक साल हो गए इसको मंजूर हुए, अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। वफाकी हुकूमत का कहना था कि बिल पास हो चुका है वफाक से, अब सूबों को अपनी सतह पर बिल पास करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद अभी तक इस सिलसिले में कुछ देखने में नहीं आ रहा। होना तो ये चाहिए था कि ज़ैनब की शहादत के बाद मुल्ज़म को इबरतनाक सजा दी जाती, सरेआम फांसी पर लटकाया जाता ताकि दूसरे लोग इससे इबरत पकड़ते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ज़ैनब की तीसरी बरसी आ गई है, बल्कि जनवरी में है, तो अभी तक ज़ैनब अलर्ट बिल वो लटका ही हुआ है। जब अमल दामा नहीं करना तो इसको मंजूर करने का क्या फ़ायदा? ज़ैनब अलर्ट बिल के नफाज में क्या क्या रुकावटें आ रही हैं? बस रुकावटें वो, मैं अभी दो हफ्ते कबल इस्लामाबाद में गया था पार्लियामेंट में इसी सिलसिले में, जब ये मोटर वे वाला वाक़या हुआ, तो उसके बाद जो हमने उस वक़्त ज़ैनब के मुजरम को एक मुतालबा किया था, अपील भी की थी, मुतालबा समझ लें कि इस मुजरम को ऐसा मतलब इबरनाक सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई ज़ैनब इस तरह के दरिंदगी का शिकार, ज़्यादती का शिकार ना हो सके। तो हमारी उसी वक्त भी ये पूरी जद्दोजहद थी जिस पर पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर सो मोटो लिया, रहमान मलिक साहब थे उस वक्त, तो वहाँ पर सरेआम सजाए मौत के लिए कानून बनाया गया, हमें वहाँ पर बुलाया गया बाकायदा, उसमें इजलास में हमें मतलब हमने वहाँ पर शिरकत की, मेरे साथ मेरी मतलब अहलिया भी साथ थी। मकसद उसका यही था, उनकी बड़ी एक समझाऊंगा कि कोशिश थी कि सरेआम सजाए मौत का कानून उन्होंने बनाया, इसको पास किया जाए। वहाँ पर स्टैंडिंग कमेटी में उस पर बहस हुई और उस वहाँ पर उसको पास कर दिया गया। उसमें कोई सेनेटर थे, कोई आइनी माहरीन थे शामिल, मैं भी मतलब हम भी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे भी उसमें उन्होंने राय ली, उसके बाद साइन भी हुए, उन्होंने मतलब हेयरिंग खत्म हुई जा रही, सारी बहस खत्म होने के बाद वहाँ पर इनके पास हो गया स्टैंडिंग कमेटी में। अब उन्होंने कहा कि ये सेनेट में जाएगा, तो आप उम्मीद रखें सेनेट में दो हफ्ते बहस होगी, उसके बाद ये पास होगी, कानून बन जाएगा। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है इस मुजरम को सरेआम उबर बनाया जाए, लेकिन सेनेट में ये पास ना हो सका। उस फिर उस वक्त उन्होंने इस्लामी नजरियाती कौंसिल से राय तलब की, उन्होंने भी मतलब सरेआम सजाए मौत की नफ़ी कर दी। तो हमें बड़ा अफसोस होगा कि जो हमें चूँकि कुरान और शरीयत से तो ये चीज़ साबित है कि मुजरम को खौफनाक सजाएं दें, अगर जराइम को ख़त्म करना है तो इस तरह के जो मुजरम है, कुरान जी में मैंने खुद पढ़ा हुआ है तर्जमा, कि उसके लिए आपके दिल में बिल्कुल ज़रा भी ज़रा बराबर भी रहम नहीं होना चाहिए। तो जब हम ऐसे मुजरमों को खौफनाक सजाएं देंगे, मतलब हम उनको इबरत बनाएंगे, तो दूसरे लोग देख के इबरत पकड़ेंगे, तो हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ उससे ज़ाहिर महफूज होंगे और जराइम की रेशो भी कम होगी। लेकिन यहाँ पर तो अलमिया ये है कि इन मतलब जुर्म की जो सज़ा है या इंसाफ के फैसलों में इतनी तखीर है कि मुजरम को सज़ा नहीं मिल रही,
जिसकी वजह से सजा का खौफ खत्म हो चुका है और जुराइम की रेशो जो है वो आसमानों पर पहुंच चुकी है। जैनब केस के बाद भी लातदाद केसेस हो गए हैं, बच्चों के अगवा, ज्यादती और कत्ल की तादाद हजारों की तादाद में बच्चे बच्चियां इस तरह के यानी कि ज्यादती का कत्ल का निशाना बन चुके हैं। लेकिन मैं ये मुजरिमों को डरखौफ है ही नहीं। डरखौफ कैसे हो जब मुजरिम को सजा ही नहीं मिलती? सजा मिले और स्पीडी ट्रायल हो, मुजरिम को सजा मिले, लोगों में सरेआम नहीं कम गन जो ऑलरेडी जो अदालतों में केसेस पड़े हुए हैं हज़ारों की तादाद में बच्चे बच्चियों के केसेस अदालतों में लटके हुए हैं, उनके जो वालदैन हैं वो अदालतों में समझ लो कि इंसाफ के लिए दर बदर हैं। होता क्या है, उसका नतीजा क्या निकलता है कि वो थक हार के घर बैठ जाते हैं। उसमें ज़्यादातर फैमिली लोग जो मजलूम हैं वो ऐसी फैमिली से उनका ताल्लुक होता है जो इंतहाई गरीब पुअर होते हैं, उनमें इतनी सख्त नहीं होती कि वो हमारे जो अदालती मामला था असूल इंसाफ के लिए वो कला की फीसें, अदालतों में आना जाना, किराया भाड़ा रोज का लगना, अपने फिर अपने काम को छोड़ के जाना, वो पहले इतने गरीब होते हैं उनको पता था कि आज अगर दिहाड़ी ना लगाई तो पता नहीं घर का चूल्हा भी चलना कि नहीं चलना। तो उसका नतीजा ये निकलता है कि वो अदालतों के मतलब वो फेस करने में करने के लिए उनके पास इतने वसाइल नहीं होते, वो थक करके घर बैठ जाते हैं और उसका फ़ायदा मुजरम को पहुंचता है और वो आसानी से वो बरी हो जाता है, उसको यानी कि उसके किए की सजा नहीं मिलती। उसकी एक वजह ये भी है वो जो हमारा जो नीचे से तफ्तीशी निज़ाम है और आगे जो प्रोसिक्यूटर का सिस्टम जो केस को चलान सबमिट करते हैं उसमें भी बड़ी कमियाँ कोताहियाँ हैं। ये जब तफ्तीश करते हैं बाद का तो वैसे ही बाद लोग इंतहाई ज़मीर फरोश लालची होते हैं, वो मुजरमों के साथ मिल जाते हैं, पैसे खा लेते हैं और केस को कमज़ोर तैयार करते हैं और मुजरम को कह देते हैं कि आप जब कोर्ट में जाओगे तो आप वहाँ पर बरी हो जाएंगे। उसमें ऐसी जो ना सख्त सजाओं वाली दफा जो लगनी चाहिए वो लगाते ही नहीं। दूसरा तफ्तीश में ऐसे वहाँ पर नुक्ते ऐसे रखने डाल देते हैं कि मुजरम बआसानी अदालत से बरी हो जाते हैं। पहले उसकी जमानत होती है, जब जमानत हो जाए आधा केस वैसे ही कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद वो मुजरम बरी हो जाता है और मुजरम को जब सजा नहीं मिलनी जुराइम का से कम कंट्रोल हो गए। ये सारी चीज़ें आइनी लिहाज से असम्बली में बैत तलब हैं और वहाँ पर जो आइनी सुगम है, मतलब हम कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में, अभी जब चंद दिन पहले गए हैं तो वहाँ पर ये बातें सारी उनके सामने रखी हैं कि ये आइनी सुगम जो है ना इनको दूर किया जाए और स्पीडी ट्रायल का निज़ाम लाया जाए और आगे सजा पर भी जो अमल दरामद है वो भी जब एक मुजरिम पकड़ा गया वो मान गया या उसके डीएनए भी मैच कर गए तो उसके बाद सजा में तखीर का कोई जवाब नहीं बाकी रहता, उसको एक आध महीने में सजा पर अमल दरामद हो जाना चाहिए। हमारा जो अदालती निज़ाम है उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपील करेगा, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, फिर वो सदर के पास जाएगा, इसमें कई कई साल बीत जाते हैं। मुजरम जो है वो जेलों में या जमानत में बाहर घूम रहते हैं। और उसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो मजलूम फैमिली आती हैं उन पर वो दबाव डालते हैं, उनको धमकियाँ भी बाद का कई लोग लगाते हैं, उनको मजबूर करते हैं कि हम हमारे साथ सुलह करें। वो डर खौफ के होंगे जो मजलूम है जो विक्टिम है, हमारा निज़ाम ऐसा है कि उनको तहफ़ नहीं है और वो उसका सारा फ़ायदा मुजरम को पहुँचता है, मुजरम और वो घर बैठ जाते हैं या सुलह हो जाती है तो वो भी आ गए और मुजरम बरी हो जाता है। जैसे साने मोटरवे को देख लें कि मुजरम आबद ने भावन नगर के इलाके में भी पहले दोनों डकैती माँ बेटी के साथ ज्यादती की, इसके अलावा शेखपुरा में भी उसने ज्यादती की, तो ये तो केसेस सामने आए हैं। लातदाद इनकी हरकत इनके जो मजालिम है इसलिए सामने नहीं आ सके कि लोगों ने अपनी इज्जत की वजह से खामोशी को बेहतर समझा। अपनी इज्जत बचाने के लिए इन चीज़ों को हाईलाइट ही नहीं करते, सिर्फ चोरी डाके का जिक्र करते थे हमारा इतना नुकसान हो गया और ये मतलब इसका जो साथी पकड़ा गया है और 10 तकरीबन उसने बताए वाक़ात ऐसे 10 वाक़ात ऐसे जहाँ पर इनकी ज्यादती का उन्होंने बताया कि वहाँ पर ज्यादती कर चुके हैं। हाँ जी जो लेकिन लेकिन वो वाक़ात पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुए,
मकसद बताने गया कि वहाँ पर इन्होंने इस तरह ज्यादतियाँ की हैं उन घरों में फैमिली के बच्चों औरतों औरतों के साथ, लेकिन उन्होंने उनकी FIR नहीं करवाई ज्यादती की। तो मकसद इस तरह के वाक़त हैं बहुत ज़्यादा बेशुमार हैं। फिर वो बात वहीं आती है कि हमारा जो जितना भी निज़ाम है ना, मुजरम को पकड़ने जाने जाना बात तफ्तीशी निज़ाम है, प्रोसिक्यूशन आ गया, अदालत निज़ाम है, इन में मतलब हमारी जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में जितने भी नुमाइंदा पार्टियाँ हैं, ये सब की इज्तमाही जिम्मेदारी है कि इसमें जो भी ऐसी मतलब कानूनी शुक्र में या खामियाँ हैं उनको दूर किया जाए, और वो पहले भी बात में की कि स्पीडी ट्रायल का निज़ाम लाया जाए, चाहे चाहे जो है ना वो चाइल्ड कोर्ट लहदा कायम की जाए, और जिनमें इनको एक महीने के फ़कत एक महीने में इन मुजरमों की सजा पर दरामद हो जाना चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह हमारा यकीनन ये मैं समझा हूँ जराइम की रेशो कम होगी। आपकी क्या राय है कि अगवा, ज़्यादती और कत्ल के मुजरमों को कैसी सजाएं दी जाएं? देखें ये तो कुरान का फैसला है कि कुरान में इनके लिए दो सजाएं तजवीज़ की हैं। अगर कोई शादीशुदा आदमी किसी के साथ ज़िना करता है तो उसकी सज़ा कोड़े है, और अगर कोई अनमैरिड लोग वो इस तरह करता है, ज़्यादती करता है, तो उसकी सज़ा है संसार। तो ज़ाहिर है उसको संसार जब किया जाएगा उस वक्त तक उसको संसार करना है जब तक वो मर नहीं जाता। तो आप 8-10 केस इस तरह के कर दें, लोगों को संसार कर दें, तो देखें उसके बाद पाकिस्तान में एक वाकई नहीं ऐसा होगा। अफगानिस्तान में भी एक बच्ची के साथ ज़्यादती और कत्ल का वाक़ हुआ था, आपके लम्हे है, मुल्लाओं ने कैसे सजा दी थी? हाँ जी, उस वक्त मतलब आज वो बच्चा गुम हुआ है, उसकी डेड बॉडी मिली है सुबह को या रात को, और उसी दिन ही और अगले दिन ही वो मुजरम पकड़े गए हैं। हाँ जी, मुल्ला उमर के दौर में, और उसके अगले दिन ही मुल्ला उमर ने मतलब आर्डर जारी कर दिया था, वो सारी रात सो नहीं सका था कि सुबह इनको सजाए मौत, और उनके मतलब हाथ पैर काटे गए थे बकायदा और लटका दिया गया था उनको, कई दिन लाशें, हाँ वो कई दिन वहाँ पर उनकी लाशें लग रही। तो उसका नतीजा क्या हुआ उसके बाद अफगानिस्तान में एक वाक़ नहीं ऐसा हुआ। देखें जब हमारा कुरान मजीद में यह है कि कौम ने सजाओं का तसव्वुर दिया गया है, कटानों शरीयत में हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ सैयदना अबूबकर सदीक आका अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में सरेआम खौफ नए सजाएँ दी गई हैं, मुजरमों को हाथ काटे गए हैं, कोड़े मारे गए हैं, मतलब उनको सजाए मौत। तो आज हम अपने कुरान से कुरानो शीए से इन्हराब कर रहे हैं, हम उसको छोड़ के तो हम जो हमारा जो समझ लें जो अंग्रेज़ों का काला कानून है उसके पीछे लगे हुए हैं, और जिसकी वजह से आज हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ औरतें कोई भी महफूज नहीं है। अगर आज हम अपनी जो हमारी जो असल हमारी एहसास हमारा जो कुरान व शरीयत है उस तरफ लौटाएं तो यकीनन उन सजाओं पर अमल दरामद हो, तो हमारे कौम के बच्चे बच्चियाँ इज्जतें सबकी महफूज होंगी और 90% जराइम जो कम हो जाएंगे। नाज़रीन अब वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर वापस हम हाजी मीन सारी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले कोई निशिया आई लव यू कहे।
Voice Health Formula के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा बनास्पति बोले दिल की बोली। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजी अमीन अंसारी साहब के साथ हम गुफ्तगू का सिलसिला दोबारा शुरू कर रहे हैं। इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकब निसार साहब की अहलियाँ थीं, उन्होंने भी बहुत दुख का इजहार किया था। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब हम दोबारा आते हैं ज़ैनब अलर्ट बिल की तरफ कि आपने बहुत काविशें की और मुल्क की तारीख में पहली बार ऐसे बिल की मंजूरी दी गई, अभी तक जो अमल दरामद नहीं हो सका, आगे आपकी क्या काविशें हैं? बस अभी वो मैं पार्लियामेंट से अभी हो गया है चंद दिन पहले, वहाँ पर सेनेटर फसल जो है साहब से बात हुई, सेनेटर कपीके जिशान खानजादा साहब से भी मीटिंग हुई, उन दोनों से फिर प्रेस टॉक भी हुई, उसके बाद असद उमर साहब से भी मीटिंग हुई इसी सिलसिले में कि ये बिल तो कब का पास हो चुका है, लेकिन तहाल उस पर वफाकी गवर्नमेंट ने एक अथॉरिटी कायम करनी थी ज़ारा के नाम से, ज़ैनब अलर्ट रिकवरी अथॉरिटी इसका नाम है, तो उसको मतलब उसको पर वो अथॉरिटी कायम करनी थी और आगे उसको फॉलो करना था सूबों ने। अब चूंकि जब से ये 18वीं तरमीम आई है उसके बाद ये है कि मरकज़ में कानून साजी तो कुछ सूबों ने अपनी कानून साजी अलहदा करनी, लेकिन ये ज़ैनब अलर्ट बिल जब पास होगा तो कौमी असम्बली में उन्होंने साथ ये वजाहत उस वक्त ये साथ ही वजाहत कर दी थी कि ज़ैनब अलर्ट बिल को हमने इस तरीके से पास कर दिया है कि सूबों को उसको अलहदा के लिए पास करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब सूबों पर भी नाफ़िज़ अमल है, लेकिन मतलब उस पर कोई उसके बाद पास तो हो गया लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। और इसी सिलसिले में हम इस्लामाबाद गए हैं, मतलब मुस्लिम सेनेटर से वज़रा साहब मुलाकातें करने का मकसद यही था कि इनकी जो अथॉरिटीज हैं उनको जल्द से जल्द जो है कैम की जाए, और मैं जो एक जद्दोजहद कर रहा हूँ तो मेरी कोशिश है कि अगर हो सके तो उसमें अथॉरिटी में वाकई गवर्नमेंट में मुझे भी उसमें जिम्मेदारी दी जाए, तो मैं तो पूरे मुल्क में मेरे घर से पूरे पंजाब से सैल आ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान से मुतासरीन आते हैं मेरे घर, तो मैं उनके दादरसी के लिए अगर मुझे अभी अपने मतलब महदूद वसाइल में उनकी दादरसी करने की कोशिश करता हूँ या करता भी हूँ, लेकिन अगर गवर्नमेंट मेरे मुझे वसाइल देगी तो मैं भरपूर तरीके से उनके साथ या उनकी जो भी असूल इंसाफ के लिए या इसके इन वाक़ात को रोकने के लिए पार्लियामेंट में भी आइन शादी में भी, और चूँकि दूसरी तरफ बात जा रहा हूँ कि मेरे पास इतने ज़्यादा साहिल आते हैं और उसमें जिस तरह की सूरत हाल को हम देख रहे हैं जहाँ जहाँ उसमें कमी कोताही नकायस आ रहे हैं सामने, मतलब हमारी तफ्तीशी जो सिस्टम है या प्रोसिक्यूशन का है, आगे जो हमें हमारे जो असूल इंसाफ के लिए हमारा जो जुडिशियल जस्टिस सिस्टम है
तो हर प्लेटफार्म पर मैं इन चीज़ों को देख रहा हूँ, मैं फेस कर रहा हूँ। तो मैं मतलब उसी तनाजर में अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वो आईनी तरामीम लाई जाए ताकि ऐसे वाक़ात के सदे बाप के लिए सख्त से सख्त सजाओं का जो है ना वो निज़ाम लाया जाए, और साथ ऐसे जो कानूनी इसको जो कानूनी खामियाँ जो जिसमें मुजरम को फ़ायदा पहुँचा हो ये सारी चीज़ें दूर की जाए, और कोई मुजरम जो है ना वो बिल्कुल इस तरह का मुजरम बच ना सके। दूसरी बात ये मैं कहूँगा कि ये जो ज़्यादती के वाक़ात हैं इसमें अल्लाह ताला ने कुरान में हद लगा दी है, इसमें ना सुलह का तसव्वुर है ना माफ़ी का तसव्वुर है। अगर कोई आदमी इसमें ऐसे वाक़ात में कोई फैमिली सुलह करती है या माफ़ करती है तो वो गुनाहगार है, और जो सुलह में किरदार अदा करता है वो भी गुनाहगार है, वो अपनी कब्र भी पर भी बोझ डालते हैं और रोज़े मैशर भी उनकी सख्त गिरफ्त हो गई। चूँकि इसमें कुरान में जिस पर हद लग चुकी है इसकी माफ़ी नहीं है, इसकी जो जो सरा सजा है वो समझ लो भी ऐन वाजिब है, हर सूरत को उसको सजा मिल गई है। दूसरा, जो लोग इस तरह का अमल इनके सजा सुलह करते हैं या माफ़ करते हैं वो मुजरम को मौका देते हैं कि कल को किसी दूसरे बच्चे बच्ची के साथ दोबारा इस तरह ज्यादती करे या उसको कत्ल करे। लिहाजा ये मैं आपके चैनल से लोगों को ये बात मतलब एक शऊर डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि लोग जो भी सुन रहे हैं ऐसे वाक़ात में दूसरे लोगों को भी बताएं कि बिल्कुल इसमें ज्यादती के वाक़ात में बच्चों बच्चों को या औरतों के साथ कुरान मजीद में कोई हद लगा दिया, कोई सुलह का तसव्वुर माफ़ी का तसव्वुर नहीं है। तो इसलिए इन वाक़ात में सजा को यकीनी बनाएं और ताकि आप आखिरत में भी सुरखरू हों। अमीन साहब, कोई भी कानून उस वक्त तक बेफायदा होता है जब तक उस पर इम्प्लीमेंट ना हो। मैं फिर कहूँगा कि ज़ैनब अलर्ट बिल को मंजूर हुए एक साल हो गया है लेकिन अभी तक हम में इस पर अमल दरामद के आसार नज़र नहीं आ रहे। अभी उन्होंने मतलब दोबारा उस पर काम शुरू हो गया है, उन्होंने मतलब गैर संजीदा है, उन्होंने बताया कि वो फिनांस डिवीज़न के पास फाइल पड़ी हुई है, तो मतलब उसका जो बजट वगैरह मंजूर करते हैं आगे जो अथॉरिटी वगैरह उनके जो जो उन्होंने जाहिर पत्ती करने हैं लोग। इस दौरान कितने बच्चे अगवा ज्यादती के बाद कत्ल हुए हैं? अब जाहिर ये मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी गफलत है हमारी पार्लियामेंट की, इसमें तमाम लोग जिम्मेदार हैं, और बल्कि मैं ये भी कहूँगा कि ये जितने बच्चों के वाक़ात बच्चों के साथ ज़्यादती बदफिली के नासूर की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं, इस पर हमारी पार्लियामेंट को, हमारे सिक्योरिटी इदारों को और हमारी अदलिया को इनकलाबी इकदाम अदा करने की इनकलाबी इकदाम करने की जरूरत है इनको कंट्रोल करने के लिए। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने ये कहा था, रिमार्क्स ये थे कि जिनके बच्चे जुल्म का शिकार हुए हैं उनको देखें वो जिंदा लाशें बन गए हैं, तो उसको मद्देनजर रखकर जो है आगे इकदाम करें, काबिशें करें, एक्शन लें। अल्लाह ताला मेरी तो दुआ है अल्लाह ताला सारे कौम के बच्चे बच्चों को महफूज रखे। मैं तो यकीन करें जब उमरा परसद जब मुझे ये इतला मिली जैनब गुम हो गया तो मैं वहाँ पर भी अल्लाह ताला के बारह माह में हरमे काबा में हरमे मस्जिद नबी शरीफ में मौलाना काबा को पकड़ कर यही दुआएं करते थे, बारी ताला हमारे तमाम कौम के बच्चे बच्चों को महफूज कर दे और हमारी जैनब को भी मतलब हमें खैर सलामती से मिला दे। तो मैं आज भी हमारी यही कोशिश है कि इसके सदे माह में ऐसे इकदाम हो कि सबकी जहन में सबके बच्चे महफूज हो जाए, दोबारा किसी की जहन के इतबार के साथ ऐसा वाक़ ना हो। मुजरिम इमरान के वर्सा ने ये किसी में से आपसे रब्ता किया या वो इलाके में दोबारा आने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ किसी ने आज तक उन्होंने रब्ता नहीं किया, अलबत्ता उनकी मतलब फैमिली के उनके जो दूसरे वो चचा वगैरह थे उन्होंने मुस्लिम लोगों से के जरिए कोशिश की कि हमें अपने घर रहने दिया जाए, तो वो उनके दो चचा वो तो अपने घर आ गए थे लेकिन उनकी फैमिली वहाँ पर नहीं
हलवे ताहिर है, लोगों में लोगों को जज्बात हैं, जज्बात है तो उनको देखे तो ज़ाहिर वो आदमी के लिए एक वो जो सारा सीन है वो सामने आ जाता है। तो ये तो पूरी कौम का दर था। मौसम इमरान के घर को ताला है अभी तक? जी उनके घर, मैं तो अब सीधी बात उधर जाने को दिल ही नहीं करता, ना जाते हैं। बस वैसे ही ऐसा मामला है कि उधर नहीं कभी गया है, दिल ही नहीं मानता उधर जाने को। क्यों आज जाके तो खुद परेशान होना है, तो इसमें कभी उधर गया ही नहीं है। जो बताया जाता है कि मुल्ज़िम इमरान की वालदा को इल्म था कि मेरा बेटा ये बच्चों के साथ जुल्म कर रहा है, कि फिर भी वो खामोश रही अपने बेटे को बचाने के लिए। जब ज़ैनब का वाक़या हुआ तब भी उसे पता चल गया था, जब उसने सीसीटीवी कैमरे की जो कवरेज देखी, फोटोज देखी उसने, फिर भी वो छुपाती रही। जी जी बिल्कुल यकीनन जी, जब सीसीटीवी फुटेज में हमें पता चल गया, हमारी फैमिली को, हमारे रिश्तेदारों को सब पता चल गया कि हमारी ज़ैनब जा रही है, तो यकीनन उनके वालदैन को भी पता चल गया क्या थे कि ये अरे बदबख्त हमारा ही है। लेकिन उन्होंने इस पर पर्दा डाला, किसी को उन्होंने बताया नहीं। अगर वो पहले दिन जब उसके सीसीटीवी क्लियो मिले थे मीडिया को जारी हुए, क्योंकि ये मोहल्ले में रहते थे, ये बीच में मतलब लड़कों में दरमियान इसके चचा वगैरह सारे घुले मिले हुए थे, और मिनट मिनट की उनको खबर थी, वो क्लियो मतलब उन्होंने भी अपने मोबाइल में लिए हुए थे और उनको पता चल गया था। ये उसने बकायदा जी आई डी में बताया है कि पहले दिन ही उनको मालूम हो गया था, उन्होंने मुझे पहचान लिया था। लेकिन मैं समझता हूँ इस केस में उनको भी सजा मिलनी चाहिए थी। अगर वो पहले दिन उन्होंने देख लिया था तो वो फैमिली भी उस जुर्म में बराबर की शरीक है। अगर वो मतलब जब उन्होंने पहले दिन देख लिया कि ये बदबख्त हमारा ही बेटा है, तो बताते मैं भी उस दिन जाना मैं जिंदा आपसे सलामत मिल जाती। लेकिन उन्होंने इस पर पर्दा डाला, तो मैं फिर दूसरा उनके पर्दा डालने की वजह से जो बाद में प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें दो आदमी तीन शहीद हुए, कितने दमे हुए, ये पूरी फैमिली उनकी भी कातिल है। अगर ये पहले दिन बता देती ना इतना इतिहास प्रोटेस्ट ना होता, तो ज़ैनब भी मैं भी जिंदा मिल जाती, तो ये आदमी की ज़िंदगी भी बच जाती। ये लोग उनकी फैमिली लोगों को भी कातिल है, तो मैं ये समझा हूँ उनको फैमिली को उनकी सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन इस चीज़ को नज़रअंदाज किया गया। शहबाज शरीफ साहब ने आपसे क्या बात कही थी? नहीं उन्होंने मुझे बात तो कोई नहीं की, लेकिन वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू किया अपनी, उन्होंने जो बातें करनी की थी, जब मैंने बात करनी शुरू की तो उन्होंने माइक बंद कर दिया, बस मुझे उन्होंने बात ही नहीं करनी थी। पर हालांकि मेरे जहन में वैसी बात तो नहीं थी, लेकिन उनको पता नहीं क्या खौफ था क्या खर्चा था कि उन्होंने मुझे बोलने नहीं दिया, जो मतलब वो नामनासिब था, मतलब उन्होंने कतन ऐसा नहीं करना चाहिए था वहाँ पर। इस तरह जो उन्होंने जो बिहेव किया वो मतलब उनके अपने ही मतलब जाहिर उनके अपने खिलाफ किया वो सारा जो उन्होंने किया, उनको उनकी ज़ात को उसका नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा तो नहीं हुआ ना। हम तो अपने मैं तो अपनी एक कह लो तकलीफ में अपने काम में वहाँ पता नहीं किस तरह बैठा हुआ था, और मैंने वहाँ पर क्या ऐसी बात कर देनी थी, लेकिन वो भी उन्होंने मुझे खुद वहाँ पर खुल के बात नहीं करने दी। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब समाअत के दौरान उनकी आंखों में भी आंसू आए? बिल्कुल ऐसे था, कोर्ट में जब पहले दिन हेयरिंग हुई है तो वहाँ पर अक्सर लोग जो उनकी आंखों में आंसू थे, नम थी आंखें, बल्कि जी उन्होंने मुझे बिठा दिया था कि अगर इस तरह के हम भी जज्बाती हो रहे हैं तो कोर्ट के मामला चलाने मुश्किल हो जाएंगे, तो फिर मैं मतलब वहाँ पर अपनी सीट पर जाके बैठ गया। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इनसे आप क्या मुतालबा करेंगे? बस मुतालबा जो हम अभी भी यही करेंगे, जो ना सजाएं वो बिल्कुल सख्त से सख्त और इबरतनाक सजाएं होनी चाहिए। अगर इबरतनाक सजाएं देंगे तो ये जराइम कंट्रोल हो गए, अगर नहीं हम सरेआम सरे इबरतनाक सजाएं नहीं देते तो फिर तब तक हमारे बच्चे बच्चियाँ कहोगे
मैं नहीं समझा कि वो महफूज होंगे तब तक। अमीन साहब, औलाद का रजाम ऐसा होता है कि तमाम वालदैन जो है इसको फरामोश नहीं कर सकते, बच्चे सबके सांझे होते हैं। ज़ैनब का दुख तो ऐसा है कि आज भी कौम के दिलों में ताज़ा है। तो हम इस गम में आपके साथ शरीक हैं और उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट से कि वो ज़ैनब अलर्ट बिल पर फौरी अमल दरामद करे और बच्चों पर मजालिम करने वाले अफराद को इबतनाक सजाएं दी जाएं ताकि ये सिलसिला रुक सके। आपका बहुत शुक्रिया मीन साहब। मैं स्पेशल से इजाद मुर्ज़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय शमा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, विज वॉश, गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग, SM फूड्स, वोल्का फूड्स इंटरनेशनल, मुस्लिम ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अल करीम बिल्डर्स एंड अल गफूर बिवरेजेस।